आज हम बनाएंगे हमारे उत्तराखंड का फेमस डिश, खीरे का रायता बनाएंगे। इससे पहाड़ी रायता भी बोलते हैं, और जो हम ये रायता बनाते हैं उससे काफी अलग होता है। इस रेसिपी में मैं जो टिप्स बता रही हूँ उनको फॉलो करके बनाएगा, रायता बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 खीरे लिए हैं और इसको छिल लेंगे। छिलने के बाद इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस हम मोटे वाले होल से करेंगे। अब हम कद्दूकस किए हुए खीरे को अच्छे से निचोड़ेंगे, इसका पानी अच्छे से एकदम निकाल लेंगे। जो खीरे का पानी है इसका आप यूज कर लें, बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें काला नमक डालकर पी लें, यह स्वास्थ्य के लिए गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। हमने जो मसाले डालने हैं उनको तैयार करेंगे। हम इसमें मसाले कूटेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा। जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर मैं इसको इस तरीके से कूट लूँगी, ये आसानी से कूट जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये दरदरा सा हो गया है। सरसों जो होता है ये पहाड़ी रायते की जान होती है। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन राई से भी मिर्च हो जाती है। तो अगर बच्चे खाने वाले हैं तो रायता तो मिर्च कम ही डालें। अब 1 टुकड़ा अदरक को काट कर डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें हरा धनिया काट कर डाल देंगे। अब इसको भी हम कूट लेंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से कूट गया है। 1 कटोरा हमने दही लिया है, इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे। इसमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। अब हम इसको हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। ये पेस्ट है, इसका स्वाद जबरदस्त आएगा। इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि दही स्मूथ हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हम दही को फेंट लेंगे। हमने दही फेंट दिया है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ खीरा डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पहाड़ी रायता बनकर तैयार है। रायते को आप पकौड़े, पराठे, रोटी, हमारे उत्तराखंड में रायता और आलू के गुटके के साथ बहुत ही फेमस है। आप भी इसे इस रेसिपी को बनाकर देखेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी और झन्नाटेदार रायता बनकर तैयार है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।